जी छात्रों, कक्षा 12वीं के व्यवसाय का अध्ययन विषय के अंतर्गत हम नियुक्तिकरण और उसकी प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर हम देखेंगे मानव संसाधन प्रबंध और भर्ती। तो किसी भी उपक्रम में हम देखते हैं कि उस उपक्रम की गुणात्मक और संख्यात्मक रूप में कितने कर्मचारियों की हमें आवश्यकता है, किस किस प्रकार के हमें कर्मचारी उस कार्य से संबंधित चाहिए और उनकी व्यवस्था हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत इस व्यवस्था को हम देखें। फिर अपनी आवश्यकता अनुसार उन जो मानव संसाधन है उनको हमें भर्ती करना। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम यहाँ पर देखेंगे कि मानव संसाधन प्रबंध क्या है और भर्ती क्या कहलाता है। ये मानव संसाधन प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो मानव संसाधन जो है प्रबंध की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक उपक्रम ये निश्चित करता है कि कार्य के अनुसार उचित संख्या में कर्मचारी हैं। पहली चीज यहाँ पर हो गई कि उपक्रम के अंदर जो भी कार्य है उस कार्य के अनुसार उचित संख्या में कर्मचारी हैं अथवा नहीं। दूसरी बात आती, जो कर्मचारी हैं वे उपयुक्त हैं अथवा नहीं। तो पहली चीज आ गई यहाँ पर कि जो कार्य है कार्य के अनुसार उचित संख्या में कर्मचारी हैं अथवा नहीं है। दूसरी बात आती है कि जो कर्मचारी हैं वो उपयुक्त हैं अथवा नहीं है। तीसरी बात इसमें आती है कि वे सभी कर्मचारी सही समय पर कार्य को संपादित कर रहे हैं अथवा नहीं, जिससे दीर्घकाल में मिलने वाले संगठनात्मक लाभ जो हैं वो क्या हो जाएंगे, अधिकतम होंगे। तो मानव संसाधन एक ऐसी प्रक्रिया है उपक्रम के अंदर उसकी गुणात्मक और संख्यात्मक आवश्यकता के अनुसार हम उपक्रम में मानव संसाधन की व्यवस्था करते हैं, उतने कर्मचारियों की व्यवस्था करते हैं जिसमें हम उनकी संख्यात्मक तौर पर कर्मचारियों की संख्या देखते हैं, कार्य की प्रकृति के अनुसार गुणात्मक तौर पर कर्मचारी कितने लगने ये देखते हैं, जो कर्मचारी हमारे पास हैं पूर्व से वे उस कार्य को कर सकते हैं नहीं या सही समय पर कार्य हो रहा है अथवा नहीं, ताकि इस सब से हम दीर्घकाल में लंबे समय में मिलने वाले संगठनात्मक लाभ को जो है हम अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकें। तो यहाँ फ्रेंच बेंडले ने कहा है मानव संसाधन प्रबंध में मानव संसाधन की भर्ती, चयन, विकास, उपयोग, क्षतिपूर्ति और अभिप्रेरणा को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ जो भी मानव संसाधन हमारे पास है सबसे पहले तो उनकी भर्ती करना, उपयुक्त कार्य के अनुरूप उतने लोगों को हमें उपक्रम में भर्ती करना, फिर कार्य के अनुरूप उन भर्ती लोगों का क्या करना, चयन करना, उनको छांटना कि कौन व्यक्ति किस कार्य के लिए उपयुक्त है, चयन करना, फिर उसका विकास करना, उसको प्रशिक्षण प्रदान करना, उसका मानसिक रूप से डेवलपमेंट करना, उपक्रम से उसको परिचित कराना, ये सब उसके विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। फिर हम उसका बेहतर ढंग से उपयोग कितनी अधिक मात्रा में कर सकें, क्षतिपूर्ति से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो कार्य हम उससे करा रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में उतना हमें आउटपुट उससे प्राप्त हो, साथ ही हम उस मानव संसाधन कर्मचारी को इतना अभिप्रेरित करें कि ताकि हम संगठन के जो लाभ हैं उनको हम बेहतर ढंग से प्राप्त करें। तो ये कहलाता है मानव संसाधन प्रबंध की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले भर्ती से शुरू होती है जिसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि एक क्रम में मानव शक्ति आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के बाद भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। तो एक उपक्रम में कितनी मात्रा में हमें कर्मचारियों की आवश्यकता है उनका जब हम अनुमान लगा लेते हैं तो उस अनुमान के अनुरूप जो है हम भर्ती की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब यहाँ पर भर्ती की जो प्रक्रिया होती है ये क्या है, विभिन्न पदों के लिए भावी कर्मचारियों की खोज करना और उन्हें आवेदन पत्र देने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया है।
तो जो भी संगठन के अनुरूप, जो भी कार्य के अनुरूप, जो भी पद हैं, उन पदों के अनुरूप जो है हमें नए कर्मचारियों को खोजना, उन्हें प्रेरित करना कि वो आवेदन पत्र दें, तो ये कहलाता है भर्ती। अब यहाँ पर रोजर एच हॉक के अनुसार उन्होंने कहा है, भर्ती का मुख्य उद्देश्य संगठन के कार्य को सफलतापूर्वक चलाने हेतु नए कर्मचारियों के स्थान को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को ढूंढना, उनका मूल्यांकन करना, उनसे प्रार्थना पत्र प्राप्त करना तथा उनका स्थान निश्चित करना होता है। यहाँ भर्ती का जो संबंध है वो उपक्रम के अंदर से लेकर उपक्रम के बाहर से विभिन्न स्रोतों से योग्य व्यक्तियों की पहचान व उपलब्धता को बनाए रखने से है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भर्ती है वो हम भर्ती की प्रक्रिया उपक्रम के अंदर से भी कर सकते हैं या उपक्रम के बाहर से भी कर सकते हैं विभिन्न स्रोतों से। अब यहां हम जानेंगे कि भर्ती की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से पूरी होती है। तो कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में जो है हम निम्न चरणों को हमने सम्मिलित किया है, जिसमें सबसे पहला बिंदु हमारी जो है कर्मचारियों की मांग। तो उपक्रम की आवश्यकता अनुसार, उपक्रम की आवश्यकता अनुसार मांग निर्धारित करना, उपक्रम में कितने प्रकार के, किस किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है उसके अनुरूप मांग को निर्धारित करना। फिर इसके बाद है दूसरा, भर्ती स्रोतों की पहचान। अब जब हमने डिमांड तय कर ली कि हमें इस प्रकार के इतने कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसके बाद हमें भर्ती के जो स्रोत हैं उन स्रोतों से हम किस प्रकार से पूर्ति करें। तो ये स्रोत कौन कौन से हैं, स्रोत हो सकते हैं जैसे विज्ञापन के द्वारा हो सकते हैं, विज्ञापन, रोजगार कार्यालय के द्वारा, रोजगार कार्यालय के द्वारा, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा, तो यहाँ पर जो स्रोत हैं किन स्रोतों से हम उन मांग को पूरा करने के लिए आवेदन बुलवा सकते हैं। तो जैसे विज्ञापन हो गया, रोजगार कार्यालय हो गया, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, यहाँ पर जो है हम इन स्रोतों के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। फिर इच्छुक लोगों को आमंत्रण, जो हमने एडवर्टीजमेंट दिया या जानकारी जहाँ पर दी वहाँ पर जो लोग यहाँ पर हमारे बीच में आना चाहते हैं तो उनको आमंत्रण यहाँ पर इसके बाद हम इच्छुक लोगों को आमंत्रण की बात करें यहाँ पर, तो स्रोतों के माध्यम से जो हमने जानकारी प्रकाशित की कि किस किस प्रकार के कितने कर्मचारियों की आवश्यकता, तो उसमें रिक्त स्थानों की संख्या अर्थात कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, फिर कार्य किस प्रकार का है, उस कार्य को पूरा करने के लिए जो है योग्यता, किस किस प्रकार की योग्यता वाले व्यक्ति हमें चाहिए, कार्य की शर्तें उसमें कौन कौन सी होंगी, आवेदन की तिथि कब तक जमा करना है, ये सारी शर्तों के साथ जो है इच्छुक लोगों को आमंत्रण किया जाता है। फिर चौथी स्थिति में जब योग्य आवेदकों की सूची तैयार करना है, आवेदन प्राप्त होने पर यहाँ पर योग्यता बार उनका उनके आवेदनों को छांटना, आवेदकों के आवेदन प्राप्त कर उनकी सूची तैयार करना, सूची बनाना। तो यहां हम देखते हैं
कि भर्ती की जो प्रक्रिया होती है शुरू होती है कर्मचारियों की मांग से कि कितनी मात्रा में हमें उपक्रम के अनुसार कर्मचारियों की आवश्यकता है, फिर उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो स्रोत हमारे पास कौन कौन से हैं उसके माध्यम से उन स्रोतों की पहचान करना, फिर इच्छुक लोगों को आमंत्रण पत्र आमंत्रित करना, उसके पहले हम रिक्त स्थानों की संख्या कितनी है, कार्य की प्रकृति किस प्रकार की है, किस प्रकार की योग्यता वाले लोग चाहिए, कार्य की शर्तें कौन कौन सी हैं, इसका हम उसमें उल्लेख करते हैं, और फिर जो हमें आवेदन प्राप्त होते हैं हम आवेदकों के आवेदन को प्राप्त कर उनकी योग्यता, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके कार्य अनुभव के आधार पर जो है सूची तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से चार चरणों में जो है भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाती है। भर्ती के आंतरिक स्रोत दो प्रकार की से हम भर्तियों को कर सकते हैं, पहला है आंतरिक स्रोत और दूसरा है बाह्य स्रोत। तो यहाँ पर हम नंबर एक आंतरिक स्रोत की बात करें, आंतरिक स्रोत के अंतर्गत उपक्रम के अंदर जो भी कर्मचारी कार्यरत है उन कर्मचारियों में से उच्च पदों पर उन कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार प्रमोट करना, उनको पदोन्नत करके हम उस रिक्त पद की पूर्ति कर लेते हैं। तो उपक्रम के अंदर कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति कर की जाती है। इसमें शीर्ष स्तर के शीर्ष व मध्यम स्तर के करके अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो यहां पर जो है हम एक क्रम के अंदर जो ऑलरेडी कर्मचारी कार्यरत हैं उन कर्मचारियों की उनकी योग्यता उनके कार्य अनुभव के आधार पर जो है हम उपक्रम के अंदर ही उनको ऊपर वाले पद पर पदोन्नत कर देते हैं। और मुख्य रूप से ये प्रक्रिया जो है शीर्ष व मध्यम स्तर के अधिकारियों के नियुक्ति के लिए अपनाई जाती है। दूसरी जो प्रक्रिया है असमायोजित कर्मचारियों का स्थानांतरण करके उपक्रम के अंदर यहाँ पर असमायोजित कर्मचारियों के स्थानांतरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि उपक्रम के अंदर कार्य और योग्यता के अनुसार जब बहुत सारे कर्मचारी वहाँ पर कार्य करते हैं तो कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो योग्यता और अनुभव न होने के कारण उस उपक्रम में कार्यरत होते हैं, तो ऐसे कर्मचारी उनको कार्य के आधार पर दूसरे कार्यों में उन्हें एडजस्ट करना, उन्हें समायोजित करना। तीसरा बिंदु यहाँ पर हमें अतिरिक्त कर्मचारियों का स्थानांतरण। तो अक्सर हम देखते हैं कि एक उपक्रम में बहुत अधिक मात्रा में जब कर्मचारी हो जाते हैं तब हम उन अतिरिक्त कर्मचारियों का दूसरे विभागों में स्थानांतरण कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम जो भर्ती के जो आंतरिक स्रोत हैं इसके अंतर्गत जो कर्मचारियों की कमी है हमें उनको हम तीन रूपों में पूरा कर सकते हैं। कर्मचारियों को पदोन्नत करके उस ऊपर वाले पद पर हम उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं पदोन्नति के द्वारा। दूसरा असमायोजित जो कर्मचारी है जहाँ पर वर्कलोड यदि कम है लेकिन कर्मचारियों की मात्रा ज़्यादा है तो उन कर्मचारियों को दूसरे विभाग में या दूसरे कार्यों में हम एडजस्ट करते हैं। वहीं तीसरी स्थिति में भी विभाग में जो अतिरिक्त कर्मचारी कार्यरत हैं उन कर्मचारियों को भी हम दूसरे विभागों में जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर स्थानांतरित करके हम जो है इस माध्यम से आंतरिक स्रोत से पूरी कर सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है भर्ती के
बाह्य स्रोत अर्थात बाहरी स्रोत। तो इसमें जो है विज्ञापन के माध्यम से समाचार पत्र, टीवी या अन्य माध्यमों से हम पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा रोजगार कार्यालय है, रोजगार कार्यालय में जहां पर आवेदक रजिस्टर्ड कराकर आवेदक अपना आवेदन पंजीकृत कराता है, वहां से भी पूर्ति की जा सकती है। तो तीसरा जो है प्लेसमेंट एजेंसी अर्थात जिन यहां पर जो है संस्थाओं में समय समय पर आवेदकों के द्वारा आवेदकों के रोजगार को उपलब्ध कराते हैं, और यहां हम देखते हैं परामर्शदाता के रूप में बड़े बड़े शहर जो कि बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, यहां पर कुछ ऐसी परामर्शदाताएं संस्थाएं होती हैं जो कि आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों और बड़े अधिकारियों के आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये कार्य करती हैं। वहीं पर फिर अंतिम जो है शिक्षा संस्थान साक्षात्कार के माध्यम से विभिन्न कैंपस सिलेक्शन के द्वारा जो है विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में कंपनी जो होती हैं वो समय समय पर साक्षात्कार या कैंपस सिलेक्शन आयोजित करती है जहाँ पर उपयुक्त अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चयनित किया जाता है। इसके बाद शिक्षा संस्थान जो अभी मैंने बताया कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा जो है यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से अभ्यर्थियों का चुनाव किया जाता है। कैंपस सिलेक्शन द्वारा फिर आकस्मिक बुलावा या प्रतीक्षा सूची, कभी कभी उपक्रम या संस्थाएं जो है समय समय पर जो है प्रतीक्षा सूची प्राप्त हुई है सूची अनुसार उनको वो सूची के अनुसार समय समय पर उनको कॉल करते हैं और उनकी सेवाएं प्राप्त करते हैं सूची के अनुसार बुलाना। जो भी आवेदन आते हैं उनको वो पेंडिंग में रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनको बुलाते हैं। अगली बात करते हैं हम यहाँ पर प्रत्यक्ष भर्ती की, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट भर्ती। डायरेक्ट भर्ती जो है यहाँ पर तीन प्रकार से होती है। एक तो जैसे खड़ी भर्ती जिसको हम बोलते हैं गेट पर भर्ती, दूसरी होती है सिफारिश के आधार पर, तीसरी होती है जाबर्स के माध्यम से। यहाँ पर जो प्रत्यक्ष भर्ती डायरेक्ट भर्ती कहलाती है, इसमें तीन प्रकार से भर्ती यहाँ पर की जाती है कि गेट पर भर्ती, दूसरा सिफारिश के आधार पर, तीसरा जाबर्स के माध्यम से। तो गेट पर भर्ती के अंतर्गत कभी कभी जब भी अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में जो है सीधे एक सूचना बाहर लगाई गेट पर लगा दी जाती है जहाँ पर जो है आवेदक आ जाते हैं और उनकी गेट पर ही भर्ती कर ली जाती है। कभी कभी दूसरा जो है सिफारिश के आधार पर, जो उपक्रम के अंदर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके भाई, उनके बहन या उनके जो भी रिश्तेदार हैं उनकी सिफारिश के आधार पर उनको काम पर रख लिया जाता है। तीसरी स्थिति है जाबर्स के माध्यम से, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, उनके माध्यम से भी यहाँ पर कर्मचारियों की या श्रमिकों की भर्ती की जाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि जो भर्ती की प्रक्रिया है वो दो रूपों में होती है, एक आंतरिक भर्ती के रूप में और दूसरी बाह्य भर्ती। तो आंतरिक भर्ती के रूप में
उपक्रम के अंदर जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको पदोन्नत करके, या दूसरा तरीका है जो असमायोजित कर्मचारी हैं यहाँ वहाँ उनको एडजस्ट करना, तीसरा उनको आपको स्थानांतरित करना। और वहीं बाह्य भारती के अंतर्गत जो है यहाँ पर विज्ञापन के द्वारा, विज्ञापन देकर शिक्षा संस्थानों के माध्यम से और साथ ही प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से, रोजगार कार्यालय के माध्यम से और प्रत्यक्ष भर्ती, इनके द्वारा जो है हम भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं।